हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। किसका? यूके पीएससी आपके प्रीलिम्स कम मेंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को। जैसे कि आप शायद देख भी रहा होगा, आपको क्लाइमेट रीजन्स को लेकर ये क्वेश्चन है। असल में ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अभी से मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप में से जो अपर पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली अपर पीसीएस के बारे में तैयारी कर रहे हैं, आपको अभी से अपना जो रिटन स्किल है वो डेवलप करना है। वेट मत करना कि एग्जाम के 2-3 महीने पहले करोगे, अभी से आपको डेवलप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो क्लाइमेट रीजन है, दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर, ये आपका किस पेपर का पैटर्न है और किस पेपर में आ सकता है। तो अगर आप देखें, आपका जो फोर्थ पेपर है, ठीक है, फोर्थ पेपर वो क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। यानी कि फोर्थ पेपर में ही आपका बच्चों क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी है, और फोर्थ पेपर में ही क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है। वहां से मैंने ये क्वेश्चन जो है या ये जो टॉपिक है वो ले रखा है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये टॉपिक प्रीलिम्स में किस तरीके से आ सकता है, ये क्लाइमेट रीजन्स वाला। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो त्रिवर्त आपके हैं स्कीम या क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। ये इन्होंने 1954 में ये क्लासिफिकेशन दिया था, और मतलब क्लासिफिकेशन दिया का मतलब कोपन्स के क्लासिफिकेशन को मॉडिफाइड किया था। ठीक है, मॉडिफाइड दी कोपन्स क्लासिफिकेशन। मेन तौर पे ये कोपन्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, 54 में त्रिवर साहब ने जो है इसको मॉडिफाइड किया। अब पहली बात करें कि प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है जो दी हुई आपकी इंफॉर्मेशन है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप में से जो लोग मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कॉम्बो कोर्स मैंने प्रीलिम्स के लिए बना रखा है, अपर पीसीएस, लोअर आरओआरओ का, जनरल स्टडीज का, वो आपका अवेलेबल है। आपके मोर देन 300 वीडियोस हैं, पीडीएफ फाइल है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। चलो वापस आते हैं। तो देखो प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। एक तरफ पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो त्रिवर्था क्लासिफिकेशन है ऑफ इंडियन क्लाइमेट का, जो है क्लाइमेटिक रीजन का, वो कितनों में डिवाइड हो रखा है। तो देखो कैसा है, पहला है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल स्टेपी, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, ट्रॉपिकल एरिड और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और माउंटेन क्लाइमेट। ठीक, तो यानी कि एक सीधा साधा क्वेश्चन आ सकता है कि 7 जोन्स में या 7 क्लाइमेटिक रीजन्स बांट रखे, ये प्रीलिम्स का एक फैक्ट हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, ये जो उनके क्या दे रखे हैं, कोडवर्ड दे रखे हैं, मैं फॉलोइंग पूछ सकता है कि त्रिवर्ता जो आपका क्लासिफिकेशन है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, उसमें कैपिटल बी और कैपिटल एस किस तरीके के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट। तो इस तरीके से देखो बच्चों, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको प्रीलिम्स के देखें। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट का एएम है, ट्रॉपिकल सवाना का एडब्ल्यू है, ट्रॉपिकल स्टेपी का बीएस है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट का बीएसएच है, ट्रॉपिकल एरिड का बीडब्ल्यूएच है। देखो एक क्वेश्चन आएगा जरूर प्रीलिम्स से बच्चों, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का सीएडब्ल्यू है और माउंटेन क्लाइमेट का एच है। अब अगर बात करें कि यही क्वेश्चन जो है क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया आपके लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में किस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबली जो है आपके किस में आ सकता है, आपके या तो अगर मैं अपर पीसीएस की बात करूं तो अपर पीसीएस में आपके पार्ट 4 जो होता है अपर पीसीएस का, कौन सा, 4 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अपर पीसीएस में पार्ट 1 जो आपका ये पेपर है, फोर्थ पेपर, इसमें पार्ट 4, 4 पार्ट होंगे, पार्ट 4 में 250 वर्ड्स वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में। तब आपको एक एक ये जो क्लाइमेट है इनकी हेडिंग प्लस इनका कोड वर्ड, और जैसे कि मैं एक के बारे में बात कर लेता हूँ कि जब मेंस में लिखोगे तो ये सारी हेडिंग डाल दोगे, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करोगे, किसको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट को हेडिंग डालोगे, एएम लिखोगे, और फिर उसको मैप में दिखाओगे इंडिया के। देखो तभी बच्चों नंबर मिलेंगे, इंडिया का मैप बनाना भी सीख लो। तो इसमें क्या क्या बताओगे इसके बारे में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट के बारे में, कि इसका एवरेज एनुअल टेम्परेचर कितना होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और रेनफॉल कितनी होती है, तो क्या करोगे, 250 आपका सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, और ये क्लाइमेट मेन तौर पर भारत में कहाँ पाया जाता है, तब बकायदा टेक्स्ट फॉर्म में और मैप में दिखा के आओगे, जैसे कि ये तरीके का क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट जो है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है,
आपका त्रिपुरा में पाया जाता है और साउथ आसाम में पाया जाता है, तीन जगहों पे पाया जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, आपको सातों के सातों क्लाइमेट जो है वो डिस्क्राइब करने हैं अपने मेंस के एग्जामिनेशन के लिए विद मैप, तभी बच्चों पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। क्योंकि जो ये हर एक पेपर में जो है आपका पार्ट फोर है, जो आपका मेंस का है, वो 60 मार्क्स का है, और 16 मार्क्स आपको, यानी कि 250 वर्ड और 16 मार्क्स, तभी 16 में से आपको 8 10 10 तक भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, 8 10 के करीब तभी मिलेंगे जब ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप देंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में भी कुछ इसी तरीके के टॉपिक में आप लोग के लिए ला